खुल गया आगरा के ताजमहल के नीचे बने 22 कमरों का राज। कमरों के अंदर क्या है, इसकी तस्वीरें अब सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि ताजमहल के 22 कमरों के रहस्यों को लेकर हाल ही में एक PIL दाखिल हुआ था। हालांकि PIL को तो रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये PIL के हक का गलत इस्तेमाल किया है, जाकर किसी और काम में अपना दिमाग लगाओ, ये सब मत करो। इस तरह से कहकर कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे को ही रिजेक्ट कर लिया। लेकिन इसी बीच ASI जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसके अंडर ताजमहल आता है और वो 22 कमरे भी ASI ने ही बंद करवाए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्लैरिफिकेशन दिया है। और क्लैरिफिकेशन ऐसा दिया है कि पिक्चर्स ही डाल दी है कि खुद ही देख लो कि आखिर इन 22 कमरों का रहस्य क्या है। ASI ने अपनी वेबसाइट से इन 22 कमरों की तस्वीरें शेयर की है। ये तस्वीरें ASI ने इसलिए शेयर की है क्योंकि ताजमहल को लेकर जो कुछ भी कंफ्यूजन और कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है वो थम जाए और पब्लिक डोमेन में ये तस्वीरें डाल दी गई है, ताकि खुद पब्लिक अपनी आंखों से देख ले कि आखिर उन 22 कमरों में क्या है और क्या कुछ उन 22 कमरों का रहस्य है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वो कमरे तो बिल्कुल खाली है। हाँ, कमरों के अंदर कहीं सीलन आई हुई है, यही कारण है कि ASI ने इन्फॉर्म किया है कि कमरों के अंदर रिपेयर मेंटेनेंस का काम जारी है। इन कमरों में प्लास्टर करवाया जा रहा है और लाइम पैनिंग का काम करवाया जा रहा है। इसकी कॉस्टिंग 6 लाख रुपए आ रही है। इन तस्वीरों को रिलीज करने के साथ ही ASI ने कहा है कि जिस किसी को कंफ्यूजन है और 22 कमरों के रहस्य को जानना है, वो हमारी वेबसाइट पर जाकर इन तस्वीरों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या कोई हिंदू देवी देवता अंदर है या फिर ये कमरे तो खाली पड़े हैं। ASI ने यह भी कहा कि इस वक्त इतनी गर्मी है, बावजूद उसके यहाँ पर टूरिस्ट आना कम नहीं हो रहे हैं। हर रोज 20,000 से ज़्यादा लोग ताजमहल को देखने आते हैं, यही कारण है कि ताजमहल को हमेशा टिप टॉप रखना ASI की जिम्मेदारी है। इस वक्त उन 22 कमरों में रिपेयर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिनकी तस्वीरें तो अब सामने आ गई है। दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है कि क्या है उन 22 कमरों में।